लास्ट पार्ट से जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पार्ट हमारा मिसिंग था कि डिफरेंट डिजाइनस होते हैं डाइकोटोमिक्स कीज को रिप्रेजेंट करने के फर्स्ट वन इज़ ब्रांचिंग uh, की जिसमें जो है वो एक ट्री की स्ट्रक्चर होती है उसको लिखा जाता है ये सेम उसी तरह से है हमने बात की थी डोंट वॉक ऑन फोर लेग्स नेक्स्ट उसकी टू कैटेगरीज हो जाती हैं लेग्स प्रेजेंट अगर लेग्स प्रेजेंट हैं तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फीदर प्रेजेंट और फीदर एप्सेंट लिए हम लोग फिर इसको डिस्टिंग्विश करते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी उसके करेक्टर्स हैं जिसको हम लाइक अ ब्रांच ट्री डायग्राम तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट डिजाइन इज बॉक्स टाइप जिसमें बॉक्स टाइप जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है और फिर हम लोग डिफरेंट करेक्टर्स की बेस पर डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं एंड द लास्ट डिजाइन इज सर्कुलर टाइप जिसमें जो है वो एक सर्कुलर बनाया जाता है ये थे डिजाइन और अगर हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें उसकी ब्रैकेटेड की के उसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो हम बात करते हैं कि ब्रैकेटेड की इज इकोनॉमिकल फॉर स्पेस ठीक है जैसे इंडेंट की में देखा था कि एक लाइन हमें साइड पर लेफ्ट साइड पर छोड़नी पड़ती है यहाँ पर नहीं हमेशा करें एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि ये बेस्ट डायग्नोस्टिक पर्पस को फुलफ़िल करती है किस तरह से डायग्नोस कर रही है स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर रही है ये इसका एक एडवांटेज है और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो ब्रैकेटेड की है इसमें रिलेशनशिप ऑफ डिवीजन जो है वो नॉट अपेरेंट टू आई अब अगर बात करें हाउ टू रन डायकोटमिस की तो हमने देखा कि हमने दो तरह तो की डायकोटमिस कीज को रन किया और उनको रन करने के बाद हमने एनिमल को जो है वो उसके स्पेसिफिक करेक्टर्स की बेस पर दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश भी कर लिया उसके बाद आती है हमारे पास पोली क्लेव की जिसको मल्टी एक्सेस की भी कहा जाता है जैसा कि हमने डायकोटोमिस की को सिंगल एक्सेस की भी कहा था और पोलीक्लेव को हम मल्टी एक्सेस की भी कहते हैं इसके अलावा हम इसको मैट्रिक्स की और इनकोरेक्टली सैनॉप्टिक की भी कहते हैं वैल सॉल्विंग टेक्सोनिक प्रॉब्लम विद पोली की यूज़र नीड कंप्यूटर सिस्टम ये चीज़ मस्ट है कि पोली की के दौरान जब आपने पोली की को यूज़ करना है तो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम या आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए क्योंकि इसमें होता ये है कि इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लास्ट जिसका नाम है ब्लास्ट एब्रीविएट फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ये एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है वो ऑलरेडी मोलिकुलर डाटा जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का वो सेव है ठीक है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से जो है हम लोग क्यूरी करते हैं नेक्स्ट हमें जो है वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे पहले जो है यहाँ पर हमें बताया गया वाउचर स्पेसिमेंस के बारे में वाउचर स्पेसिमेंस क्या होते हैं कोई भी प्लांट या एनिमल जिसको हमने कलेक्ट किया और जिस पर हम स्टडी वर्क कर रहे हैं उसको हम वाउचर स्पेसिमन कहते हैं अब डीएनए कीज और ये जो हमारे पास ब्लास्ट की हैं दे आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर डीएनए कीज इसमें होता क्या है हमारे पास एक जैन बैंक या जिसको हम जीन बैंक भी कह सकते हैं उसमें सारी जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है और मेजर टूल क्या होता है हमारे पास ब्लास्ट होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है जो हमने किसी भी एनिमल का बनाया है इज सबमिटेड टू ब्लास्ट सर्वर अब सर्वर जो है वो ऐसा कंप्यूटर होता है अगर किसी आप एक रूम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर डिफरेंट फ़र्ज़ करें कि चार कंप्यूटर जो हैं वो इर्द गिर्द लगे हुए हैं और दरमियान में एक जो कंप्यूटर है वो सर्वर है उस सर्वर का क्या काम होता है कि वो जो बाकी चार कंप्यूटर हैं वो उसको गाइड करता है और बाकी के जो चार कंप्यूटर हैं उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन फैच करनी है या अपनी काम करने के बाद इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वो सर्वर कंप्यूटर में करता है ठीक है इसी तरह जो है सर्वर ब्लास्ट होता है हम उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हमने बनाया होता है हम उसको सबमिट कराते हैं और दी सर्वर रिटर्न दी सीक्वेंस सिमिलर इन डेटाबेस तो उसके पास जो डाटा ऑलरेडी सेव है वो उसमें से उसके सिमिलर जो है वो सीक्वेंस हमें निकाल के दे देता है इट इज़ देन अप टू द इन्वेस्टिगेटर टू एक्सप्लोर दी रिटर्न अलाइनमेंट एंड मेक आ डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अब ये हम पर है कि हम किस तरह से उसने जो अलाइनमेंट जो हमें उसने निकाल के दी है हमारे सीक्वेंस के मुताबिक हम उसको किस तरह से डिटर्मन करते हैं और अपने स्पेसिमन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वन कैन क्यूरी फॉर जीन आइडेंटिटी और ब्लास्ट अदर सोर्स ऑफ मोलिकुलर डाटा ये वही बात जो हमने यहाँ पर ऊपर भी डिस्कस की कि सर्वर से जो है वो हम लोग क्यूरी करते हैं और वहाँ से जीन आइडेंटिटी कर सकते हैं जीन बैंक से कोई भी जो सीक्वेंस हमने सर्च किया है हम उसको वहाँ से मैच कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें जो है वन कैन यूज़ द की इवन इफ द स्पेसिमन लैक मोर ट्रेडिशनल की करेक्टर्स जो बहुत ही ट्रेडिशनल करेक्टर्स होते हैं अगर वो इनकम्प्लीट से डाटा भी है एट दैट टाइमिकव की विल ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर स्पेसीम रीअडोप्टी इंटरनेट सो वैन वी न्यू स्पीशीज इवॉल्व वी कैन ऐड डाटा मीन्स वी कैन अपडेट ये इंटरनेट एडोप्टिड होती हैं अब देखिए ना इसमें जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ का डाटा ऑलरेडी स्टोर है अब जैसे ही कहीं पर नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं इसमें डाटा जो है वो दोबारा से ऐड कर सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं टू यूज और एक्सेस दिस की यूजर शुड हैव कंप्यूटर कंप्यूटर का होना इसके लिए लाजमी है विच इज़ इट्स डिसएडवांटेज और देयर आर ओनली फ्यू कीज नो प्रेजेंट इन गुड अमाउंट ये कीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मौजूद नहीं है सिर्फ कुछ हैं हमारे पास अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पोली क्लेव की को आपने रन कैसे करना है ठीक है अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है एग्जाम्पल इज दैट कि आप किसी फॉरेस्ट में मौजूद हो आपने किसी फॉरेस्ट का एक स्पेसिफिक एरिया अपनी रिसर्च के लिए जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस एरिए में जो है वो इंसेक्ट्स uh, के ऊपर देखूंगा कि यहाँ पर इंसेक्ट की कितनी स्पीशीज़ हैं ठीक है अब जब आपने उस एरिया में इंसेक्ट्स देखे तो आपको नहीं पता कि वो इंसेक्ट की कौन सी स्पीशी है ठीक है काफी ज्यादा इंसेक्ट्स हैं आपको नहीं पता एंड यू वांट टू फाइंड आउट दैट कि वो किस जीनस किस स्पीशी से बिलोंग करता है तो आप क्या करेंगे आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे अब यहाँ पर जो है गिवन करेक्टर्स आपके सामने दिए होंगे आप जो है आप जिस इंसेक्ट को देख रहे हैं आप उसके कलर को यहाँ पर ऐड करें उसके साइज को उसकी विर्थ को यहाँ पर ऐड करें जैसे जैसे आप गिवन करेक्टर्स को फिल करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप ग्रीन लिखेंगे सपोज करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज में सॉफ्टवेयर आपको ग्रीन कलर के जितने भी इंसेक्ट है वो सारे दिखा देगी फिर आप लिखेंगे कि साइज उसका जो है अप्रोक्सीमेटली टू मीटर है तो यहां पर क्या होगा पॉसिबिलिटीज में अब पहले जो है वो ग्रीन काफी सारे इंसेक्ट्स आ रहे थे अब जो है वो सिर्फ तीन चार रह जाएंगे जिनका साइज टू मीटर तक होगा जब आप उसकी विट भी लिख देंगे तो विट के बाद जो है पॉसिबिलिटी हो सकता है और कम हो जाए सिर्फ दो एक ही रह जाएं जो जो जिनकी विट जो है वो आपके गिवन करेक्टर के साथ मैच करी है नेक्स्ट जब आप विंक करेक्टर लिखते हैं तो पॉसिबिलिटी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है हो भी सकता है कि वो एग्जैक्ट जो है वो आपके सामने तस्वीरें आने लग जाए ठीक है आप फिर वहाँ से देख लेंगे कि आपने जो सामने जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो और जो पॉसिबिलिटीज़ में सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है उसके साथ कितनी वो मैच कर रही है ये एक तरीका है कि जिससे ले पर्सन भी पोली की को रन कर सकता है बस आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपको गिवन कैरेक्टर्स को ऐड करना है और वो आपको पॉसिबिलिटीज देकर और एट द एंड तो वो आपको इमेजेस भी दिखा देगा तो आप जो है वो इजीली पोली की को रन कर सकते हैं डेट वाज ऑल अबाउट दी पोली क्लेव की टेक्सोनोमिकज आई होप आपको समझ आ गया होगा लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच